Hi. Hi. I'd like to buy this book. Sure. Positive 5%. Mili kya? Do you want to back? Excuse me? No. Do you have any copies of Jersey? Sorry, I just sold the last copy. चल फिर हम बाद में आते हैं ना. No point now. Late कर दिया तूने. Excuse me, here is. Let's go. Thank you. ऑनलाइन ऑर्डर किया तो भी दो दिन लगेंगे. लेट हो जाएगा यार. पर तुझे क्या जल्दी इतनी पढ़ने की? Why are you getting so pissed? I have to read. Excuse me. Hi. I guess you're looking for this book. Oh hello. तुम क्या मेरा पीछा कर रहे हो? And then what? You gonna ask for a number? तारा, wait. Actually, this is my father. इनकी कहानी अगर आप तक पहुंचेगी तो I'll be more than happy. Thanks. That's okay. Thanks. Hello. Hello, Ketan. Congratulations, यार आप तो छा गए हो. सब जगह sold out है. Thanks, Ketan. आज सारे news channels ना यही story cover कर रहे हैं. क्या बात है. Lovely. अच्छा सुन. हाँ. Indian cricket board से ना call आएगा तुझे. Indian cricket board. हाँ. उनकी call आने से पहले मैं बता दूँ तुझे good news. बताओ यार. अर्जुन की फेलिसिटेशन सेरेमनी रखी है उन्होंने नेक्स्ट सैटरडे चंडीगढ़ में. सबने होना ही होना है वहाँ. वाओ, दिस इज ऑफ कोर्स हम सब होंगे. ओके, सी यू सून. आई विल सी यू देन. या या, बाय. बट थैंक यू. थैंक यू. इज अर्जुन रियली योर डैड? Hundred and six half centuries, 52 hundreds, 9 double centuries, and 2 triple centuries. Best batsman of his time, mere papa, Arjun Talwar. And the girl who was always there to cheer for him, Amma. क्या तुम दोनों सुबह सुबह एक घंटा शांति से सोने नहीं देते? बाबू प्लीज, मेरी 8 o'clock की शिफ्ट है बाबू. किट्टू, thank you.
वेडनेसडे याद है ना क्या है? वेडनेसडे को वेडनेसडे किट्टू, और क्या है? पापा डे नहीं, डेट क्या है? 13 नवंबर। फिर अपने किट्टू का बर्थडे भी तो है। पापा आपको पता है कोच सर ने ना मनकीरत को स्कूल टीम का कैप्टन बना दिया है, जबकि मेरे रन उससे ज्यादा थे। अच्छा? हाँ जी पापा, उसके पास इंडियन जर्सी है ना, टीम का भी फुल सपोर्ट है। हर मैच में ना वो जर्सी पहन के टशन झाड़ता है। पापा आप सुन रहे हो ना? पापा अगर मेरे पास वो जर्सी होती ना, गारंटी मैं ही टीम का कैप्टन बनना था। पापा पापा आप सुन रहे हो ना? किट्टू, किसने क्या पहन रखा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो बस अपने गेम पे ध्यान दे। टीम का बेस्ट प्लेयर कैप्टन नहीं होता, कैप्टन वो होता है जो टीम के हर प्लेयर से बेस्ट निकाल के उनको लीड करे, समझा? और ये तेरे कोच सर को तुझसे बेटर पता होना है। चल प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा है, चल जल्दी। खेती होए, प्रैक्टिस के बाद स्कूल भी तो जाना है, फिर रास्ते में रुक के किसी का बर्थडे गिफ्ट भी तो लेना है स्पोर्ट्स शॉप से। सच में जर्सी खरीद के दोगे ना पापा? सर पे हाथ रख के बोला है आपने, प्रॉमिस हो गया। देख लो मैंने पूरे मोड़ लिए, अब आप प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते, चांस ही नहीं है। खेल रहा है ना, बॉयफ्रेंड है मेरा। Come on Viru, hit a six, field the ball ground the ball। ओ मैडम, क्या चौक रखी है तुमने? मैंने ना कर देना तुमको ग्राउंड से बाहर, और इसी तरह चिल्लाओगी ना तो कल को घुसने नहीं दूंगा अंदर। अच्छा, अंदर घुसने देगा तू? बाहर तो मिल मेनू। कोच की ना चोंच बड़ी चल दिया। आपके बॉयफ्रेंड का बैलेंस सारा आउट है, लेफ्ट की तरफ ज्यादा टिल्ट कर रहा है, लेग स्पिनर आया तो आउट भी हो सकता है। ये लेग स्पिनर है। काली जुबान है जी आपकी, आउट करा के ही माने आप इसको। गई पांडे चुम्मी, पूरा दिन मुंह लटका के घूमना अब इसने। बैलेंस में तो कोई चीज होती है, लेफ्ट को इतना टिल्ट करेगा तो लेग स्पिन में तो आउट होना ही है। कौन पट्टी पढ़ा रहा तुझे? मुझे तो पहले से ही पता। चल। ओ भाई क्या कर रहा है चैंपियन इधर? बाली सर। और चैंपियन? ऐसा कुछ किया तो है नहीं सर, पर जब भी आप चैंपियन बोलते हो ऐसा लगता है पता नहीं क्या उखाड़ लिया। ठीक ही लगता है,
तेरे जैसा स्टाइलिश बैट्समैन नहीं हुआ पंजाब क्रिकेट बोर्ड में, तेरी जगह तो टीम इंडिया में थी। रहने दो सर, किसी ने सुन लिया तो केस कर देना है आपके। बैठा दें कचहरी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ट्रिपल सेंचुरी, दो डबल सेंचुरीज, 45, 45 सेंचुरीज, 92, 92 हाफ सेंचुरी। सर चलो सर, चलो आ जाओ सर। और किवें विद्या? बढ़िया सर। वो कुड़ी तो है ही बढ़िया। तनी सत श्रीकाल। सत श्रीकाल बिंद्रा जी, सारा सामान आ गया? हाँ जी सब सब आ गया सर। ठीक है, चाबी वॉचमैन के पास है, सारा सामान स्टोर में रखवा दो। ठीक है सर। बात हाँ चलो फिर। अच्छा सर जी, और न्यूजीलैंड का ना इंडिया का टूर है, तो वनडे से पहले न्यूजीलैंड और पंजाब वर्सेज एक चैरिटी मैच है। उनका एक ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है व्हीलर। व्हीलर मुझे रेलवेज का मैच याद है, वो था ना उनका, वो समीर खत्री, 6 फुटिया लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, 5 छक्के लगाए थे तूने उसके ओवर में। सारा पिंड घूम के फिर वहीं क्यों आ जाता है सर? मैं पिंड घूम के आदमी शाम को घर ही तो लौट के आता है। वो घर छोटे 10 साल हो गए सर। छोड़ा नहीं, भागा था तू वहाँ से। अच्छा मेरी गल सुन, एक असिस्टेंट कोच की जगह खाली है क्लब में, तेरे तबके का तो मतलब ना कम है। वो ग्राउंड छोड़ गया सर, क्रिकेट छोड़ के भी 10 साल हो गए मुझे, मुड़ के वापस नहीं आना मैंने। तुझसे ज्यादा बेहतर तुझे जानता हूँ मैं, और जब बाउंड्री के अंदर ग्राउंड भी होता था ना अर्जुन, ओ वखरा ही जो है, ये सीना चौड़ा की है 22 yards की पिच पे, 3 फुट का बैट हाथ में लिए, आखिरी बार खुश तभी देखा था मैंने तुझे। सिफारशां दे पैसे दा खेड़ है, रातों रात सब कुछ बदल गया। तेरी सिलेक्शन को अखबार की प्रिंटिंग मिस्टेक बता रहे हैं कमीने। कोई दीन ईमान ही नहीं है माही अभी आधा। ओए कमला हो गया आकी कीते का के। चल हुण पिछली बारी नहीं होया जी, इस बारी भी नहीं होया, ते तू हाथ तोड़ लेगा? की होया की है तेनू? आज देख पुत्र, इंडियन टीम में अपनी जगह बनाना कोई आसान काम नहीं है। 26 साल का हो गया हूँ सर, मेरा परिवार है, सरकारी नौकरी का ऑफर है, मेरा इतना ही था, अब एक और साल वेस्ट नहीं करना मैंने। और छड़ना ना छड़ना तू नहीं डिसाइड कर सकता, 13 साल का था तू जब तुझे गली क्रिकेट से स्पॉट करके मैंने कोच करना शुरू किया था, अपनी नौकरी अपना परिवार सब कुछ छड़ छड़ के तेरे साथ लग लिया, और तूने और मैंने दिन रात एक कर दिया तुझे इंडियन टीम में देखने के लिए, और तूने इतनी आसानी से कह दिया मेरा इतना ही था, मतलब क्या है तेरा? ओए छोड़ो सर। अर्जुन, अर्जुन, ओए अर्जुन, अब पुत्र एक टाइम वापस नहीं आना। रोज क्या देखते रहते हैं इनको? चल। इन सारी फोटोज में आप स्माइल कर रहे हो ना पापा?
पापा भी स्पोर्ट्स शॉप पे रुकेंगे ना? ये थैंक यू। अंदर जाके बैठ, देख ले, मैं तेरा गिफ्ट ले लेता हूँ। ओके पापा। और अर्जुन कैसी चल रही है कट्टू की प्रैक्टिस? बढ़िया अंकल। सीधा ग्राउंड से जा रहे हो प्यो पुत्र? जी। ओ इंडियन जर्सी अंकल? हाँ हाँ रखी है, ओरिजिनल इंडियन जर्सी, लिमिटेड स्टॉक वाली है, हाथों हाथ बिक रही है। कितने की अंकल? 500 रुपए की। अंकल जी परसों किट्टू का बर्थडे है, थोड़ा हार्ट टाइट है, अगर आप दे देते तो महीने की पहली तारीख तक मैं वापस कर देता, पॉसिबल होगा? उत्तर ऐसा है, 10,000 रुपये रेंट बढ़ता है इस दुकान का, 5,000 की इंस्टॉलमेंट भी है, और सबकी सैलरी और मेंटेनेंस मिला के 20,000 हो जाते। अब अपने आप को मेरी जगह रख के देख, होगा पॉसिबल? बहुत वधिया प्लेयर था तू, इज्जत करता हूँ तेरी, इसीलिए इज्जत के साथ मना कर सकता हूँ। पापा आपने मेरा गिफ्ट ले लिया? किट्टू बेटा स्टॉक खत्म है, अभी तो परसों आ जाना है, तेरे पापा आकर ले जाएंगे। ये ले मेरी तरफ से तेरे बर्थडे का गिफ्ट। थैंक यू अंकल। जिंदा रहे पुत्र। थैंक यू अंकल। किट्टू स्कूल के लिए लेट हो रहा है, टीवी बंद करो। बाबू कुकर में गैस बंद करो प्लीज। किट्टू इधर देखो। किट्टू उठो उठो। इसे पूरा खत्म करके आके चल 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 चल। बाबू टिफिन तुम इधर आओ इधर आओ। रोज प्रेयर बोलने के लिए बोलना पड़ता है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वंदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिं भवतुमे सदा। पाको पाको जाओ जाओ टिफिन खत्म करना। बाय। चलो ये पकड़ तुम तो डाल। थैंक यू राजू। बाबू टीवी के पास करंट बिल के 100 रुपीस रखे, ड्यू डेट निकल चुका है, आज भी पे नहीं किया ना तो कट कर देंगे। किट्टू के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है। कितना? 500। लॉर के पास गए थे? आज जाऊंगा। ऐसे भी क्या बिजी हो, सारा दिन टीवी पे क्रिकेट देखते रहते हो, सिगरेट फूकते रहते हो, बस काम ही क्या है तुमको? और बाबू वापस जॉब चाहिए या नहीं? सुनो बाबू छत कब से लीक हो रहा है, 1 महीने से बोल रही हूँ, ओनर को कह के ठीक कराओ ना प्लीज। मुझे 500 रुपए चाहिए विद्या। वो जितना मांग रहा है उतनी कमाई है नहीं, सॉरी पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे पता है तुम्हारे अकाउंट में। पता है? ठीक है नहीं देना मुझे। करंट बिल पे करना भूलना मत और लॉयर से मिलके सस्पेंशन के बारे में बात करना, ठीक है? सॉरी। पक्का ना भाई जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो
अमृता जी नहीं यार, आज बड़े काम है। ओ ठीक है यार, ओ तू अपने काम करा ना, हम बैठे हैं, उस संभाले ना करते राम ने। हेलो भाई। हां भाई। हेलो जी। ओ चखना बोतल पूरी है कि नहीं? समझ नहीं यार, सवेरे सवेरे फिर रौला पड़ गया यार। अभी तो लाए हम दर्द का टॉनिक सिंकारा। ओ नहीं यार, दारू वारू नहीं यार, उसने जल्दी वापस आ जाना यार। तू इनू फाड़ के रम में डुबा लेगा मेरा। जी मायसेल्फ अरदास मान, नाम तो सुना होगा, नहीं तो गाना तो सुन ही लिया है। हेलो जी। हेलो। हो का रहे ना? हाँ जी, हाँ जी, हूँ। ठीक है। ये कौन सी अरदास है भाई, कहाँ से उठा लाया इसे? ओ पटियाले का है, यहाँ चौक पे टकरा गया था। मैंने कह दिया दिलेर भाजी के साथ अपना कच्चा मामला मिलवा दूंगा, बस तब से लाइव ऑडिशन दिए जा रहे हैं। यार बड़ा सीधा साधा लगता है वो। ओ बंदा सीधा, लेकिन जेबें बड़ी कह रही है, लॉटरी लगी है, आज की पार्टी उसी की तरह से अल्लाह होने जा रहे हैं। आगे पैसे सारा दे। नहीं यार आज काम सोच ले, छह लोग हैं, जितना तो 500 अंदर। सारी क्रिया मत खत्म कर दी यार। सुनो मेरी बाजी भी वाड़ दे। ये वही ना बात, आजा आजा, एक एक को दिखाते हैं असली बादशाह कौन है। अच्छा तू जीता तो अपना 100 का 1000 सेटल हो जाएगा। बनाओ भी जगह, आजा उधर। शाबाश। अभी तो उधर भी नहीं हूँ, पहली बार दी तूने प्राइज मैंने। चलो अभी काटो दे बांटो। ले फिर चक। हमने सुना आपका गाना। बाजी कोरस में भी आवाज पहचान लिया आपने। अर्जुन पाजी, कार तो गवर्नमेंट क्वार्टर लगता है, पर इतने मेडल थे, ट्रॉफियां, सरकारी हो या खिलाड़ी हुजूर? एक टाइम पे दोनों था, अब कुछ भी नहीं है। पतपल, क्रिकेट तो उसने खुद छोड़ दिया और जॉब से उन्होंने निकाल दिया 2 साल पहले। क्रिकेट छोड़ दो तो नौकरी से निकाल देते हैं। ओ नहीं नहीं मान साहब, वो 2 साल पहले अखबार में खबर छपी थी ना कि फूड कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट से 15 लोगों को सस्पेंड कर दिया यही करप्शन के चक्कर में, तो इंक्वायरी में इसका भी नाम आ गया। अब 2 साल से केस कोर्ट में है और ये जनाब कर पे हैं। अच्छा, फैसला ना आने तक 15 के 15 लोगों को सस्पेंड रखा हुआ है। शोकर भाई। चल भाई, मेरा 20% कमीशन कल के 100 माफ है। ठीक है ये ले तेरा हिसाब। और एक एक और हो जाए भाई। चल भाई। हैं? नहीं यार पैसे नहीं है। पापा जर्सी कब लाओगे? पापा मैंने सारे दोस्तों को बता दिया है कि आप बर्थडे पे जर्सी लाने वाले हो। पापा आप सुन रहे हो? पापा जर्सी, पापा जर्सी, पापा जर्सी। ओए क्या लगा तेरे गाल पे? इधर आ। क्या लगा? इधर आ, इधर आ।
इंडियन जर्सी, सवेरे भी पूछा था ना तुमसे। अच्छा वो ओनर से छत के लीकेज के बारे में बात किया? कर लूंगा कल। विद्या, किट्टू ने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा मुझसे। लॉर्ड से मिले। कल चला जाऊंगा। करंट बिल भी नहीं भरा। एक मिनट। छोड़ो बाबू, छोड़ो। कितने रिस्पॉन्सिबल हो तुम? तुमको हमारा सिचुएशन समझ में आ रहा है? नहीं? 3 महीने से घर का रेंट नहीं भरा है, किट्टू की स्कूल की फीस भरनी बाकी है, किधर किधर से उधार लेके रखा है, लेकिन तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। घर सिर्फ मेरा नहीं है। पापा पापा पापा, व्हाइट शर्ट में एक अंकल आए थे, मीटर खोला और प्लग निकाल के ले गए, इसलिए गई है लाइट। चल मोमबत्तियां जलाते हैं। हाँ। अर्जुन, चल भाई, नेक्स्ट तू है। अर्जुन, अर्जुन किथे है? सर वो सर बाथरूम करने गया है। बैटिंग के टाइम पे बाथरूम? मजाक हो रहा है थे? ओ खोतिया, उधर किथे जा रहे हैं? बाथरूम तो इस तरफ हैगा। सर वो पागल है, कहीं पे भी कर देता है। बाबू, तुमको कोई बुला रहा है। अर्जुन, अर्जुन कोच बुला रहा है यार, बाहर आ। One last kiss. बाबू, please go. Okay. मेरा मतलब था कुड़ी है। I'll kiss you. अर्जुन! अर्जुन, अभी तक नेक्स्ट बैटिंग है यार, कोच गला फाड़ रहा है, चलना। कोच ने जान ले ली नहीं यार, सीधी चल। कुकर इतना गर्म हो जाता है, मैच में तो सीटियां बचनी है। फिर अब ऐसे ही गर्म सामर हमें भी मिल जाए, अपना परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे फिर। हॉले बोल, गुस्सा ज्यादा है उसका। आते आते लाके दिखाए। बोलिया, फिर बोल। मैं कुछ नहीं बोलिया सर। बोलिया तो है मैं, अबे फिर बोल। मैंने कुछ नहीं बोलिया सर। अर्जुन, अर्जुन चलना यार।
मुझे लगा तुम भूल गए। शाम को कैसे? इसका तो यही होता जा रहा है जी। अच्छा प्लेयर होना काफी नहीं होता सर जी, रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। फिर इसकी साई लेने से पहले पूछ लेना कहा था। तेरे जैसा टैलेंट पहले भी देखा मैंने, पर बिना डिसिप्लिन के सक्सेसफुल प्लेयर नहीं देखा। ऐसा दोबारा हुआ ना तो ये आखिरी है तेरा। चलो कुछ देर पहले मैंने कहा था ना इससे कि तेरे जैसा टैलेंट पहले भी देखा। झूठ बोला था मैंने, नहीं देखा। ही इज डिफरेंट। नाना नाना देयर समवन आई लव। ओ बल्लू सॉस ले आई। बाबू तुमको कुछ बताना है। हाँ बता। बल्लू चेती होए। बाबू सुनो ना, मैं सीरियस बात कर रही हूँ, तुमको सॉस की पड़ी है। सॉरी। क्या सॉरी सॉरी? मैंने डैड को अपने बारे में बता दिया कल। अच्छा बहुत अच्छा किया। ओ बल्लू ओए। अच्छा किया मतलब बस इतना ही? क्या तुमने उन्हें सब कुछ बता दिया? बाबू तुम ओवर मत करो। तुम अच्छा सॉरी। बाबू प्लीज एक बार घर आके डैड से बात कर लो ना, मैं उनको अपने शादी के लिए कन्विंस कर पाऊंगी या नहीं आई डोंट नो, बट तुम बात करोगे तो पक्का मान जाएंगे। విద్యను ఇతను మన ఫ్యామిలీలో అస్సలు కుదరదు. నానా ఇతని గురించి మీకేం తెలియదు కూడా? యు డోంట్ ఈవెన్ నో హిమ్. ఒక ఛాన్స్ ఆయన ఇవ్వండి. నేను మొత్తం ఫ్యామిలీకి ఏం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి విద్య? ఆలోచించావా? అండ్ ఐమ్ నాట్ ఈవెన్ బ్రింగింగ్ అప్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ కమ్యూనిటీ. ఏం చేస్తుంటాడు? క్రికెటర్. సరైన ఒక జాబ్ కూడా లేదు. నెలకు ఎంత సంపాదిస్తాడు? ఫస్ట్ ఆస్క్ హిమ్ టు గో అండ్ గెట్ ఎ డీసెంట్ జాబ్. నానా ఏంటిది? ఐ డోంట్ వాంట్ అర్జున్ టు చేంజ్ ఫర్ మీ. वो जो करता है जैसा है ना ना किस्टम आई लव हिम फॉर दैट नाना। मैं मेरी बात सुन पुत्र जी, मिट्टी पाओ, नाराज नहीं हो ना, आपके नाना मतलब पापा जी हैं ना, तो बेटा ठंड रखो सर। कोई भी मसला झगड़े से तो हल नहीं होता, आप भी ठंड रखो जी। अर्जुन का ना एक मैं ही हूँ इस दुनिया में जी। तुमने उसमें ऐसा क्या देख लिया विद्या? आफ्टर ऑल एक लोकल क्रिकेटर है, क्या मिलेगा उसको उसमें? अगर इतना टैलेंटेड होता तो नेशनल टीम में खेल रहा होता अब तक। और तेरी और क्या बकवास किए जा रहा है ये मद्रासी? और तुझे क्रिकेट का सी भी मालूम है? अर्जुन के गेम के बारे में बात कर रहा है, एक लफ्ज और बोला ना तो यही इडली सांभर कर देना मैं तेरा। व्हाट इज दिस? देयर ही टॉक टू मी लाइक दैट। नाना देयर देयर तो पंजाबी इज बहुत उंधी है। चलते देयर ओके नाना नाना प्लीज नाना नाना प्लीज। थोड़ी देर में प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, शादी कर लें।
बिन तेरे क्या यारा मेरा साहिबा तू मैं मिर्जा तेरा अक्सर तेरा जिक्र छिड़े तो तुझसे ही सब हो। अर्जुन कब आए तुम? चोट कैसे लगा? नहीं कुछ नहीं। क्या बाबू? अच्छा सुनो ना विद्या, विद्या मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। बाबू क्रिकेट लाइफ है तुम्हारा। तुम हो ना काफी है मेरे लिए। बाबू लॉयर से जाकर मिल लेना। एवरीवन गुड मॉर्निंग एक्स्ट्रा एजेंडा इंटरनेशनल डेलीगेट्स आर कमिंग फॉर दिस कॉन्फ्रेंस मेक श्योर देयर आर नो मिस्टेक्स वी नीड टू मेंटेन टॉप क्लास सर्विस स्टैंडर्ड्स। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट टाइम इज इट विद्या? सॉरी सर वो पूरी रात घर में लाइट नहीं थी। इनफ ऑफ एक्सक्यूजेस आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। और अगर इतनी ही प्रॉब्लम्स हैं तो नौकरी छोड़ो और घर बैठो। गेट बैक टू वर्क प्लीज।
छोड़ना विद्या, इसका तो पता ही है। अरे तभी कहा था भाई 50,000 जुगाड़ ले, तेरी नौकरी वापस दिलाने का काम मेरा। पर ये भाई साहब तो सत्यवादी हरीशचंद्र बने हुए, 2 साल हो गए। जनाब हरीशचंद्र के पास लस्सी पीने के तो पैसे नहीं है जी, वो 50,000 कहाँ से लेके आएगा जी। सर जब मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं पैसे क्यों दूँ? यार मैं कौन सा अपने लिए पैसे मांग रहा था यार, हैं? वो तेरे ऑडिट वाले और वो जो इंस्पेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनको खिलाने खुलने के बाद ना चवन्नी भी हाथ नहीं आती मेरे, समझे? और तुझे तो पता ही है कि यार आजकल जो है तेरे साथी भी जो है ना वो पैसे दे के सैलरी उठा रहे हैं और तू गीता पे हाथ रख के बैठा हुआ यार, तेरी बात समझ में आती क्यों नहीं है? तेरी आती है? समझ गया जी। क्या? यही कि रिश्वत लेने के इल्जाम में नौकरी गई थी, अब जब तक रिश्वत देगा नहीं नौकरी वापस नहीं मिलनी। जेब से कंगले हैं और खरीदने बंगले हैं। सर मेरी नौकरी 1 साल में 3 प्रधानमंत्री बदली हो गए, जब उनकी नौकरी का ठिकाना नहीं है तो तू कौन है? तू कौन? मैं काम का कम। पैसे मांगे थे यार, कोई इमरजेंसी आ गई क्या? कल किट्टू का बर्थडे है, उसने जर्सी मांगी है मुझसे, 500 की है। जर्सी मतलब वो क्रिकेट वाली टी शर्ट? ओ हद होगी यार, वो पहले क्यों नहीं बताया? वो मेरे जैसे पुरजे ने किस दिन काम आना यार, और तू चल मेरे साथ ही यार, वो 50 रुपए में ऐसी डुप्लीकेट चीज दिलवाऊंगा ना, सचिन तेंदुलकर भी धोखा खा जाए, असली है के नकली है। ले सेक्टर भाई ले, नीचे उतर। तो नीचे क्या हो गया पापा? फिर ना कभी करी ऐसी बात, उसकी नादान नजर ना पहचाने, मेरी आंखें तो झुक जानी है ना। वो पापा एक आइडिया आ गया, बड़ा ही कमाल का आइडिया आ गया यार, और तू चल रास्ते में बताता हूँ, चल। ले भी किस्मत बुलंद है ब्याह तेरी, इतना आसानी से नोट मिल जाने हैं। मैंने लिपस्टिक के लिए पैसे मांगे, तब तो बढ़िया चक्की सी तू है, और इन डंगरों को तो कभी मना नहीं करता, और रखे किथे आ, ब्रॉच तो है नहीं, है? अलमारी नौकर लगी है मैं तेरी, और जो पहले से 10,000 ले रखे हैं उनका तो भाई बाप भाई मालक है बस, है? और ये कुत्ता अमृत, इसने तो 4,500 का कर्जा लिया है, 500 और लेके राउंड फिकर करने चला आया, शक्ल से चौहारी लगता है, शराबी किसी था ना। वो सुनता है तो सुन ले, डरती नहीं हूँ मैं किसी से, भैंसों को भी चारा डालो ना तो वो भी दूध देती है पलट के, और ये बैलों का झुंड चारा भी खाता है दूध भी नहीं देता। हाँ मिल गए, फोन रखो बाद में बात करती हूँ। उधार देने वाले भी बड़े मनी माइंडेड होते हैं यार, 4,500 कैसे बोल गई? उधार तो 4 का था। ओ तेरी, ओ यार वो जो 500 मेरे ब्याह पे शगन देके गई थी वो भी बीच में गिन ली उसने, मोटी, और मेरे को कुत्ता बोल रही थी। लो बन गई गल, ओ यार मोटरसाइकिल भी तो है, इसको रख के तो उठा ले लोन यार। और तेरे को क्या लगता है इसने ये बात नहीं सोची होनी? और मोटरसाइकिल तो पहले ही लोन पे है, चाबियां सिर्फ हमारे पास हैं, पेपर सारे बैंक के पास पड़े हुए हैं। हद होगी यार, सुबह से 500 रुपए के लिए तके खा रहे हैं। निकालो भी किसके पास कितने कितने पैसे हैं। हाँ मोटू कर भी जेब टिली निकाल।
चलो ये 10 रुपए तू निकाल भाई। चलो बेटे मुँह ना 10। भाभी एक बार तो इतने रख, बाकी फिर देखते हैं। क्या हो गया? कहाँ है तू अर्जुन? पूरे शहर की खाक छान डाली तुझे ढूंढते ढूंढते। पंजाब क्लब ते न्यूजीलैंड का चैरिटी मैच है, तुझे बताया था ना? वो चाय पीते हुए नहीं बताया था उस दिन मैंने? तो पंजाब की टीम में एक बैट्समैन की जरूरत थी, मैंने बात कर डाली। क्या बात कर डाली सर? और बहुत समझाया मैंने, चैरिटी मैच है इस करके माने, नहीं तो नहीं होना था। आप क्या बोल रहे हो सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू खेल रहा है काके? वो सारे बोर्ड मेंबर्स ने मैच देखना है, एक बार तेरा गेम देख लिया ना तो बस असिस्टेंट कोच की नौकरी समझ ले पक्की है। फिर तो तूने वही करना जिसने। बड़ा उपकार है सर आपका जो आप मेरे लिए सब कर रहे हो। एक सेकंड मेरी गल सुन। क्या क्या? तुझे पता है कि तू किस मौके को मना कर रहा है? मैं तो जिंदगी भर असिस्टेंट कोच ही रह गया, पर तेरे जैसे टैलेंट को तो कोच की पोजीशन का चांस है। वो सारा मामला समझ गया गुरुजी मैं, बस 2 मिनट दो जी। पापे गल सुन। आप क्या ड्रामा कर रहे हो तू? कोई ड्रामा नहीं कर रहा है यार, गुरुजी के पास पैसे होंगे, मांग ले। तू पागल हो गया है? ऐसे सब अच्छा नहीं लगता यार। 600 मांग ले। 600 क्यों? 100 हम कुत्तों के यार। प्लेयर होते हैं, 1000 रुपए की फीस के लिए चैरिटी मैच खेल लेंगे, लेकिन जज्बे से खेलने वाला तो एक तू ही है। 1000 रुपया मैच फीस होए? गुरुजी मान गया जी। मान गया? हाँ जी। खेलेगा? खेलेगा जी। मतलब पक्का? पक्का जी। आप सुनो, एक कार जा, जाके किट उठा और सीधा ग्राउंड पे आ जा। अब मैं तो कपड़े शपड़े बदल के आता हूँ, 2 घंटे जम के प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा भाई ठीक है? यस। वो इतना क्या सोच रहा है यार? तो चलिए फिर। हाँ ठीक है, तैयार के पहुंच, मिलते फिर ग्राउंड में। आजा मामा यार, तेरी दलाली नहीं खत्म हो रही। चल रे मामा। पापा हम यही हैं, कल मेरे बर्थडे के लिए आंटी को बुलाने आए हैं। आपका बैठे पापा? माँ किधर है? आर्यन तो क्या हुआ? पापा कहाँ जा रहे हो? पापा जहाँ जा रहे हो? Elephant needs the most food in the jungle. It eats over 200 kilos and drinks 90 liters of water daily. Kittu, dood. मैं भी आऊँगा पापा, please पापा please. हाँ मुझे late जाना है, मुझे सोना नहीं है काकी. रोज तो सोता हूँ पापा, जाने दो ना. मैं आपकी batting कभी नहीं देखी. विद्या. ओ अमृत और सब picture देखने जा रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ. मुझे भी देखने picture, मैं भी आऊँगा पापा please.
छुट्टी है ना उसका, उसे भी साथ ले जाओ। प्लीज पापा, प्लीज 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 पापा, प्लीज 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 पापा, प्लीज पापा, प्लीज प्लीज। सेल्फ है। ये ओए वो कौन है चोर? मार ही अबे। पापा मारियो वे मतलब? मतलब ऑल द बेस्ट। चल मिल जाओ। किट्टू आ पुत्र आ जा। गुड मॉर्निंग बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। All the best. Thank you, sir. Hey, Kittu, ye toffee, ye. Thank you. Arjuna! 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 मोहाली क्रिकेट स्टेडियम में आप सबका स्वागत है। आज दर्शकों का उत्साह देखकर स्टेडियम का माहौल किसी अंतरराष्ट्रीय मैच से कम नहीं लग रहा। ये मोटू है, लवली और वो बनीता जी। न्यूजीलैंड के कप्तान जॉन स्पीयरमैन का स्वागत किया जा रहा है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं टॉस की तरफ। वेल यू वन द टॉस, व्हाट वुड यू लाइक टू चूज, बैट और बॉल? वी आर गोना बैट फर्स्ट। तो न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आज के मैच की ये टिकट्स का फंड जाएगा द होप फाउंडेशन को, अल्प सुविधा प्राप्त बच्चों के शिक्षा की ओर। दर्शकों का जोश देखकर पंजाब टीम भी काफी जोश से मैदान में उतर रही है। न्यूजीलैंड की टीम के लिए ये एक प्रैक्टिस मैच हो सकता है उनके आगामी टूर्नामेंट के लिए, पर पंजाब के लिए ये एक मौका है अपने होम ग्राउंड पे इन्हें ठोस टक्कर देने का। पंजाब की तरफ से शुरुआत कर रहे हैं पेस बॉलर निहाल कोचर। ये आई पहली गेंद और स्पीयरमैन ने खाता खोला एक खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ। पहले ओवर की दूसरी गेंद और बेहतरीन स्ट्रोक, चार रन जरूर मिलेंगे। स्थिति है 8 रन बिना किसी नुकसान के। अमित कुमार का ओवर और ये बढ़िया स्ट्रोक, लेग ग्लांस खेला है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, आसानी से 2 रन मिलेंगे पर नहीं। गुड थ्रो पापा। और इसके साथ ओवर की समाप्ति। बढ़िया टाइमिंग, अच्छा ट्राई, लाजवाब शॉट। एक 110 रन की साझेदारी 12 ओवरों में। एट कट खेला है और ये मिलेंगे 4 रन। ओ लवली, हां ये टोलो चिमटो को वापस भेज दे। मेरे को नहीं लगता आज इनकी जरूरत पड़नी।
पिट्टो लाड़ा दे में कर्जा चढ़ गया ओ आउट कर यार बिहार कोचर गेंदबाजी पर और ये अच्छा पुल कदमों का अच्छा इस्तेमाल ड्राइव किया और फील्डर ने कोशिश की मगर रन नहीं बचा पाए ओवर समाप्त और 331 का बहुत बड़ा टोटल आज न्यूजीलैंड ने खड़ा किया है। कड़ी फाइट देने की कोशिश करना। 6.5 रन चाहिए पर ओवर। कोई चक्कर ही नहीं है सर। ऑल गाइस, लेट्स डू इट। शाबाश शर्मा के लियो। सर अर्जुन बढ़िया प्लेयर है। नेक्स्ट उसको भेज दें। नेक्स्ट आप क्यों नहीं चले जाते सर? और खेल दिया है कवच की दिशा में 4 रन बेहतरीन शॉट पुल किया है और ये बाउंड्री की ओर अमृत ढोल कर लिए और नजर लग जानी है यार और ये गेंद को उछाल दिया है सीधे फील्डर के हाथों में पवेलियन लौटना पड़ेगा प्रताप को सर अर्जुन आप फिर शुरू होगा बाली सर रविंदर यू आर नेक्स्ट चार पुत्र शाबाश घर दे जाकर अगले बल्लेबाज कप्तान रविंदर ऑफ साइड पर खेल दिया गेंद सीधी फील्डर के हाथों में और ये शानदार स्ट्रोक कवर्स की दिशा में रनों का सिलसिला शुरू अच्छा शॉट और इसी बाउंड्री के साथ वीरेंद्र के 50 रन पूरे 135 एक विकेट के नुकसान पर पंजाब हवा में और आसान सा कैच कप्तान रविंदर को निराश होके लौटना होगा सर नेक्स्ट अर्जुन को भेज दें बस करो सर अगर आपने मुझे ऐसे बार बार परेशान करना है ना तो मैं उठ के चला जाता हूँ नहीं नहीं सर आप धीरज गेट रेडी जी सर चलो धीरज गेंद पैड से टकराई और सीधा स्टंप पे सर भेजो उसको किसको सर अर्जुन को सर जी सर जी सर अर्जुन पैड अप अगले बल्लेबाज है अर्जुन तलवार 36 साल की उम्र एक्स रणजी प्लेयर आते ही सामना करेंगे व्हीलर का जो हैट्रिक पर है देखा जाए तो गेम पंजाब के हाथों से फिसल चुका है जीतने की कोई गुंजाइश ही नहीं और गेंद बाउंड्री के रास्ते बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक जी हाँ लेकिन ये बिगनर्स लक भी तो हो सकता है विलर ने सोचा भी नहीं होगा कि अर्जुन जैसे लोकल क्रिकेटर आते ही इतना अनुभवी शॉट खेलेंगे और ये अगली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप अच्छी फुटवर्क है और ये चौका गुड शॉट दादा
स्ट्रोक में इनका अनुभव जरूर नजर आता है। लगता है व्हीलर और अर्जुन के बीच माहौल गर्मा रहा है। स्लेजिंग से अर्जुन का फोकस बिगाड़ने की कोशिश। देखना होगा व्हीलर के पास अब क्या गेम प्लान है। क्या अर्जुन क्रीज पर टिक पाएंगे? स्टैंड्स में जाते हुए पंजाब को जीत के करीब लेकर आया है 298 6 विकेट के नुकसान पर। और रांची मां का ड्राइव, दो रन लिया और बल्लेबाजों की 50 रनों की साझेदारी पूरी। न्यूजीलैंड को मिला एक और विकेट, पंजाब अब है मुश्किल में। और ये क्लीन बोल्ड, लगातार विकेट्स गिरते हुए पंजाब के लिए ये अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं। गुरकिरण स्ट्राइक पर और सीधा मिड ऑन के हाथों में दे मारी। मैच के आखिरी क्षण में आखिरी बल्लेबाज निहार कोचर का प्रवेश। तेजी से रन बनाए हैं लेकिन एक बार फिर नाजुक स्थिति में आ गई है पंजाब। दर्शक अर्जुन से उम्मीद लगाए बैठे हैं। पंजाब को चाहिए 18 रन 9 गेंदों पर और बेहतरीन तरीके से पुल किया 6 रन। अब 12 रन 8 गेंदों में, टेलर की अगली गेंद और उठा के मारा है एक और करारा शॉट। अगर ये अगली गेंद पर छक्का मारते हैं तो ये पंजाब की ऐतिहासिक जीत मानी जाएगी। और गेंद एक बार फिर हवा में, पंजाब क्लब बन गई है विजेता। ओह नो, जस्ट शॉट, इट्स अ फोर। अब चाहिए 2 रन 6 गेंदों में, मगर परेशानी ये है कि स्ट्राइक पर आ गए हैं टेल एंडर निहार कोचर और गेंद है खतरनाक पैट्रिक के हाथों में। आखिरी ओवर की पहली गेंद, निहार को किसी भी हालत में रन लेना होगा अर्जुन को स्ट्राइक सौंपने के लिए। दो रन और 4 गेंदे। लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट, क्लोज कॉल था। बिल्कुल सही कहा, मैच किसी भी दिशा में पलट सकता है। कोई नहीं कह सकता कि जीत किसकी होगी। 3 गेंदों पे 2 रनों की जरूरत, गेंद सीधे फील्डर के हाथों में। न्यूजीलैंड ने जीत लिया है ये मुकाबला। स्टेडियम का माहौल बिगड़ गया है लेकिन एक बात माननी होगी, पंजाब ने आज कोई कसर नहीं छोड़ी न्यूजीलैंड को मजबूत चुनौती देने में। और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा अर्जुन तलवार का, जिन्होंने इस मैच को दो तरफा बना दिया। गाइस गाइस, अर्जुन, वेल प्लेड मेट, गुड जॉब। क्या खेला है पुत्र,
ये छड़, चला जा, कमेटी वालों से मिलाता हूँ तुझे मैं, आ जा। क्या बात पापे? बोलिए अर्जुन। अच्छा पापे, वो लोग चेक देंगे शायद, पर तू कैश ले लियो, नोट गिनने की तकलीफ मैंने उठा लेनी है। तकलीफ उठाने की तो जरूरत नहीं है पुत्र जी, सारा पैसा चैरिटी में जाना है, रुपया एक नहीं मिलना, चैरिटी मैच था ये। क्या सर, क्यों मजाक कर रहे हो, टांग क्यों खींच रहे हो उसकी? कुत्ते की टांग खींच के मैंने खुद को गिराना है? आ जा, प्लेयर्स का पैसा, टिकट्स का, स्पॉन्सरशिप का पैसा, सारे का सारा होप फाउंडेशन को जाना है। और चैरिटी मैच नहीं होता तो न्यूजीलैंड ने खेलना ही नहीं था पंजाब के साथ। पर वैसे का वैसा गेम है तेरा, वही टेक्निक, वही बैलेंस, वही फ्लो, 10 साल पहले वाला जादू। सारे कमेटी वाले तेरे बारे में बात कर रहे हैं, असिस्टेंट कोच की पोस्ट तो समझ ले पक्की है तेरी। क्या खेला तू आज नहीं जा, कहाँ रह गया? ओ चल पुत्र, आजा कमेटी वालों से मिलना। और छट्टू सर, किस बात की सजा ले रहे हो मेरे से? आपको समझ नहीं आता, मेरी लाइफ से क्रिकेट खत्म हो चुका है, मुझे नहीं चाहिए क्रिकेट, नहीं चाहिए आपकी वो असिस्टेंट कोच वाली नौकरी। 10 साल हो गए सर, बंदा ते हालात बदल जाते ने, मेरी फैमिली है, मेरी बीवी है, आज किट्टू दा बड़। छड्डो सर। पापे, पापे चल किट्टू। पापा, आपने कभी बताया क्यों नहीं कि आप इतना अच्छा खेलते हो? आज क्या स्क्वायर कट मारा आपने? पापा, पापा अंकल की दुकान तो निकल गई। पापा, आप डर से कहीं और से लोगे क्या? पापा कुछ तो बोलो। पापा, पापा, पापा डर से। चलो, थैंक यू। आप ठीक हो? हम तो ठीक है। हाँ जी, खेल लीजिए। भाई साहब आ गए? आने वाले। बाबू, थोड़ी तो हेल्प कर ही सकते हो ना? किट्टू, ये गाल पे क्या हुआ आपको? हाँ, सुबह बॉल लग गई थी अम्मा। आज भी क्रिकेट खेलना जरूरी था क्या? वो देखिन कैसे मुंह हो गया मेरे किट्टू का, ठीक हो जाएगा। बाबू, तुम ढूंढ रहे थे मुझे? चलो ये भी लो।
सब लो और जाओ बेच दो। अपने ही घर में अपनी बीवी से चोरी कर रहे हो तुम। हर रोज लगता है कि इससे ज्यादा नहीं गिर सकते तुम, बट यू प्रूव मी रॉन्ग एवरी सिंगल टाइम। मेरी सैलरी में से हर महीने 2000 रुपए बचाती हूँ मैं लॉयर के 50,000 पूरे करने के लिए, ताकि तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस मिल सके। इसीलिए मैं स्ट्रिक्ट हूँ ना बाबू, पहले क्रिकेट फिर जॉब, हर चीज से भागते जाओगे तो कैसे होगा लाइफ में? घर में किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुमको। ऐसे देखती हूँ ना तो सब लगता है कि मेरी वजह से हुआ है। मुझे रात को नींद नहीं आती। आर यू लिसनिंग टू मी? मेरी तरफ देखो एटलीस्ट। स्टॉप। You give up and you walk away. लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो तुम बस भाग जाते हो। डर लगता है बाबू, एक दिन मुझे भी प्रॉब्लम समझ के छोड़ दोगे तुम। अम्मा ने पूछा तो बताया क्यों नहीं? उनको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ पापा। आपने मुझे मारा, ये कोई मानेगा ही नहीं ना पापा। तो यहाँ मैं आता हूँ। जल्दी आना पापा। मुझ पे चिल्लाएगा तू? तो पहले वाला बाली होता ना तो 10 राउंड लगवाने देते तेरे ग्राउंड के। तेरे बाप की उम्र का हूं मैं, तेरे साथ सिगरेट भी पीता हूँ, मतलब हम लोग दोस्त हुए ना। और देख, दिल पे कुछ मत लेना, मैं भी सब फूल पाल गया। आपने सही कहा था सर, इस बाउंड्री के बारे में कुछ भी नहीं है। शाबाश, और मुझे पहले से ही पता था अर्जुन कि तू पैदा ही हुआ है क्रिकेट के लिए। कल ही चलते हैं हुसैन शेख के पास, और थोड़ी बहुत तनख्वाह कम हुई तो क्या हुआ, खुशी ज्यादा जरूरी है यार। बस असिस्टेंट कोच हो जाना। कोच नहीं सर, प्लेयर। ठीक सुना आपने सर, मैंने फिर खेलना है और इस बार इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलना है। और सुन, मैं समझ सकता हूँ, मैं और ऐसे घुटघुट के नहीं जी सकता सर। देख, तेरी 36 साल की उम्र हुई है, ये उम्र जो है ये प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायर। 36 साल तो मेरी आंखों के सामने आ गए सर, जब पिछले 3 दिनों में 500 रुपए के लिए जूते घिसने पड़े। मैं औकात दिख गई सर, जो इतने सालों में समझ में नहीं आया ना सर, आज समझ में आ गया। ऐसी लाइफ नहीं चाहिए मैंने। ओ, इरादा कितना भी पक्का हो, वो फिजिकली टिक नहीं पाएगा तू।
पिछले 10 सालों में जिसने भी मेरे पे भरोसा किया था ना सर कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा, उन सब की उम्मीदों पे पानी फेरा है मैंने। आपकी, विद्या की, उन्हें दोस्तों की, I've just let you all down. लेकिन आज फेरे सालों बाद मैं अपना सर उठा के चला सर, जब मैच दे बाद उठे मैं अपने बेटे नु वेखिया सी, जो बोलोगे जैसे बोलोगे करूंगा सर, हुण सर नहीं झुकाना मैंने। 10 साल पहले जहां छोड़ा था ना, आज फिर से वहीं से शुरू करूंगा। वादा है सर, अब खेलूंगा तो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए ही खेलूंगा। बस कोच आ गए। कोई बैजा यार, प्लेयर है, कोच नहीं। मैं हेलो, वो प्लेयर है कितना सही है। बढ़िया बढ़िया, चंगा, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, चले वीरू भी अच्छा खेला था न्यूजीलैंड के मैच में। I am Amarnath Ratti, coach and selection committee member from Delhi Cricket Board. Punjab team, line mein aa jao sare. Harman Makkar, right-handed batsman. Jasdeep Singh. Right arm leg spinner. Ravinder Singh, right hand batsman. Good. Nihar Kochar, right arm fast bowler. Ajay Sehgal, right arm fast bowler. Oh, tu assistant coach wali hai na? Tu to bada young nikla. Mujhe to lag raha tha koi middle age ka banda hona hai. Arjun Talwar, right hand batsman sir. Oh,
Okay. Boys, over to the nets. Next. 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 Oh, nahi. Tu nahi. Next. That's it for the day, boys. कल मिलते हैं। चलो भाई, चलिए कंटीन है। वो चट्टे। Hi, Jasleen. हाँ चल। जिंद मेरी ये बार बार के
Arjun, we don't have all day. Come on. अरे कम ऑन देखते हैं अब कैसा खेलेगा यार मोहित यार मेरा चेहरा रफ मार दूसरा ग्लव कर पता नहीं सर अभी यहीं था पता नहीं सर मतलब कोई मजाक चल रहा है क्या यहां पर गेट आउट हु इज नेक्स्ट अब फिर देखो अब फिर देखो पता नहीं सर अभी तो यही था पता नहीं कहाँ गए शकल देखने जैसी थी उसकी सही में सिरों लेता ना एक टाइम होता है मेरे को नहीं है एक बारी और मेरे रोड़े डाले ना बुंच गुस्सा देना बैठ तेरा समझा ओए ओए हटो हटो ओए हटो ये बदतमीजी बंद नहीं की ना तुम लोगों ने तो इस स्टेडियम के अंदर दोबारा घुसने नहीं देना मैंने तुम दोनों को और दफा हो जाओ चलो हट आर्टिकल जसलीन ने लिखा है जर्नलिस्ट है देख ले कल कमेटी मीटिंग में बहुत डिस्कशन हुआ था इसके बारे में इस बार कमेटी का रांझी ट्रॉफी तो बहुत जोर है रत्ती ते महेश ने 35 प्रोबेबल खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया है एक महीने की ट्रेनिंग होएगी उसके बाद 15 की टीम खेलेगी रांझी ट्रॉफी ज़्यादा खुश ना होना एक महीने में कभी भी एलिमिनेट कर सकते हैं मतलब मैं भी सिलेक्टेड हूँ सर ज्यादा खुश ना हो कभी भी कट सकते ने ना तेरी समझ गल नहीं आ रही इन्ना खुश होने की गल नहीं है मैं की कह रहा तू समझ रहे है कि नहीं Oscar Swan, shooting, age 60. Madonna Buder, swimming, age 55. Adele, kayaking, age 40. हर स्पोर्ट में अपनी उम्र के खिलाफ कुछ करने वाले रहे हैं हमेशा से पुत्र एज इज जस्ट अ नंबर पुत्र खिलाड़ी था रूह तो खिलाड़ी रहता है हमेशा अगर इंडियन टीम में खेलना है ना तो एक ही तरीका है इस रणजी ट्रॉफी में आग लगानी है तूने आग पर सफर शुरू करने तो पहला मुझे वो 10 साल पहले वाला अर्जुन चाहिए अब जो बोलो जैसे बोलो सर मैं करने को तैयार हूँ चल ठीक है फिर आ जा दिमाग खराब है तेरा उसके बारे में आर्टिकल लिखता तू ताकि हो गया यार आर्टिकल लिखता है छड़ना मेरी इज्जत के बारे में सोचा तूने एक भी बार वीरू तू ना ओवर रिएक्ट कर रहे जा पहले जाके माफी मांग के आ जा
रोका क्यों नहीं उसको? मुझे क्या पता था करने वाला है? पास से आ रहा था ना तेरे? यार वीरू जो हो गया ऐसे कैसे हो गया? ये क्या किया है तूने? आप ही ने बोला था ना सर, वो 10 साल पुराना वाला अर्जुन चाहिए। मैं बोलया कि किता की? वही ना सर। So boys, 1 महीने की प्रैक्टिस खत्म हुई। Tomorrow we'll be announcing the final 15. किसी का सिलेक्शन होगा, किसी का नहीं। But I want to congratulate all of you for doing a fantastic job. All the best. Thank you, sir. चले यार, चलिए। खाना लगाओ। अभी भूख नहीं है, बाद में खाऊंगा। पापा एक बात बोलूं? मैंने आपको कहा था ना कि कोच सर ने सुखी को कैप्टन बना दिया है क्योंकि उसके पास इंडियन जर्सी है। अब वो कैप्टन नहीं है पापा, जर्सी पहनने से कोई कैप्टन थोड़ी ना बन जाता है ना पापा? अब मुझे वो इंडियन जर्सी नहीं चाहिए। जर्सी मनकीरत के पास थी, सुखी नहीं। सॉरी पापा। ओए, इधर आ काके। अम्मा और मेरा ना ठीक हो जाना है, तेरी वजह से नहीं होया कुछ। शाम को आज अनाउंसमेंट रिजल्ट की, टेंशन है कि आपको? थोड़ी ही है, ज्यादा नहीं। टेंशन मत लो सर, इस बार नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, भरोसा रखो। भरोसा? वो मेरा कोई अपना बेटा होता ना, उस पर मुझे इतना नहीं होना था जितना तुझ पे भरोसा है पुत्र। यार वो पहले जैसी टेंशन ली नहीं जाती। शाम को आ नहीं पाऊंगा, तू रिजल्ट देख के आ जाना, कर खंबा खोलेंगे। कल याद रखना पुत्र, शाम को जो कुछ भी हो, आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू। मैंने अपने पूरे करियर में तुझसे बेहतर बैट्समैन नहीं देखा, एंड दैट इंक्लूड्स प्रेजेंट इंडियन क्रिकेट टीम।
कर रहा हूं।
अर्जुन सुनो, जस्ट स्टे ऑन द क्रीज, ओके? अगर शाम तक एक रन भी नहीं बने तो कोई बात नहीं, बस टिके रहना दिन भर, विकेट नहीं जाना चाहिए। पंजाब की बल्लेबाजी क्रम में बदलाव। अर्जुन डिफेंड करना, बॉल से अर्जुन तलवार जो लंबे समय के बाद रणजी सीजन में अपनी वापसी करेंगे और ये तय है कि ये आसान नहीं होगी। वैसे हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ जो मैच हुआ था उसमें इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। अर्जुन रावत का ओवर निकाल दे बस। भाई तजुर्बा चाहे जितना भी हो लेकिन शुरुआती ओवर में अगर आपकी टीम अच्छा प्रदर्शन ना करे तो बाकी बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ ही जाता है। और ये उठा के मारा है गेंद हवा में, फील्डर तो गेंद तक पहुंच नहीं पाएंगे। लॉन्ग और बाउंड्री के ऊपर से बहुत ही बढ़िया सिक्स है। एक चार दिन के रणजी मैच में कौन पहली गेंद को बाउंड्री के पार मारता है? इनफैक्ट 1985-86 रणजी सीरीज के हाईएस्ट स्कोरर थे अर्जुन। और ये करारा पुल शॉट गेंद हवा में डीप मिड विकेट की दिशा में जाती हुई, और ये 6 रन। अर्जुन ने मानो जान फूंक दी हो इस मैच में। क्या एक और छक्का लगाएंगे इस गेंद पर? और ये अर्जुन का एक और जोरदार शॉट। अच्छे से ड्राइव किया, ओवर की आखिरी गेंद, 2 रन आसानी से मिलेंगे। लगता है अर्जुन स्ट्राइक नहीं देना चाहते। देखा भी नहीं और गेंद सीधे जाते हुए 6 रनों के लिए। ऐसा बल्लेबाज और इतना आत्मविश्वास अपने टेक्निक पर पहले कभी नहीं देखा। शानदार पारी 110 रनों की, पर डाल स्टेडियम में अर्जुन की ये पारी याद रखी जाएगी। शाबाश पुत्र, थैंक यू सर। शाबाश अर्जुन, थैंक यू, बहुत बढ़िया। शाबाश। तुम्हें लगता है तुमने बहुत अच्छा खेला। तुम्हारे इस एडवेंचर ने पूरी टीम को रिस्क पे डाल दिया था ना अर्जुन। मैंने तुमसे क्या कहा था? सर आपने कहा था विकेट नहीं जाना चाहिए। वेल प्लेड। Alvar, 36-year-old ex-Ranji player, made his re-entry into the season of Ranji Trophy with an exceptional 241 runs that helped Punjab snatch a win against Himachal Pradesh. Khush?
हेलो होटल माउंट व्यू, हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो पापा की फोटो फिर से न्यूज़पेपर में आई। हाँ पता है, तू फील्डिंग कर। जान मुझे दाद लड्डू शड्डू। बाउंड्रीज ही मारते हो बस, सिंगल्स भी इंपॉर्टेंट है मैच के लिए। कितना बोला? बस 5 रन। चलो अर्जुन, सॉरी फॉर व्हाट आई डिड। टीम के लिए खेलते हैं। It's too early for celebration. Cruise 5 minute ki mauj nahi karan denda boys. क्या लेंगे सर? दो चाय ले आए। जी सर। ये जगह याद है? क्या क्या बोल दिया? आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी लाइफ में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक क्या? बहुत खुश रहेंगे हम। डैड आए थे घर पर, बोले 50,000 रुपये देंगे, तो
तुम वो 50,000 रुपए लॉयर को दे देना और अपनी जॉब वापस ले लेना. आई कांट टेक दिस एनी मोर. मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम हम खुश कब थे. पैसे ले लिए तुमने पापा से? गुस्सा क्यों हो रहे हो बाबू तुम? नहीं लिए मैंने पैसे. डैड बस बोल रहे थे कि वो पैसे देना चाहते हैं, बट अगर तुमको नहीं चाहिए तो इट्स ओके, हम नहीं लेंगे पैसे. बात पैसे की है ही नहीं विद्या, तुझे मुझ पे भरोसा ही नहीं है. हाउ डेयर यू. हाँ, मैं अपनी फैमिली, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ यहाँ रहने चली आई. डोंट यू डेयर से दैट अर्जुन. कभी कुछ मांगा है मैंने तुमसे? एक सिंपल लाइफ ही तो मांगी है, तुम, मैं और किट्टू, बस. वी जस्ट वांट यू बैक, दैट्स इट. एंड ऑनेस्टली आई डोंट केयर व्हाट्स गोइंग ऑन विथ योर गेम. तुम कितनी भी कोशिश कर लो अब कुछ नहीं होने वाला. यू हैड योर चांस एंड इट्स ओवर नाउ. सारी दुनिया बोलती थी ना कुछ नहीं होना इसका, कुछ कर ही नहीं पाना इसने, बुरा लगता था. लेकिन आज तुझसे वही सब सुन के ना डर लगता है विद्या कि मैंने कर ही नहीं पाना कुछ भी. आज लाइफ में पहली बार तेरे ते गुस्सा आ रहा है मैंने विद्या. Arjun completes at 300. Such a class player. Take a bow, you young man. Oh, wait. Some concern there for the Punjab batsman. Looks like Arjun's in trouble. This could mean more trouble for Punjab too. Tum theek ho? Bali sir. Celebrate his triple century. Remarkable indeed. Arjun, what an inspiring cricketer. Well done. Boss, good. Kya baat hai? Bahut hi acha khela champion. Tabiyat kuch theek nahi lag rahi sir. Hospital chale? Hospital? चला जा. फिक्र की कोई बात नहीं है, ज्यादा स्ट्रेन की वजह से हो सकता है. टीएमटी 2D को टेस्ट करवा के देख लेते एक बार. ये डॉक्टर साहब, एक्चुअली अगले हफ्ते रणजी ट्रॉफी का फाइनल है मुंबई में, ये खेल सकेगा ना? एक बार टेस्ट तो करवाइए पहले आप. आप ये पूछ भी कैसे सकते हो सर? विद्या पुत्र, फिक्र दी को गाली नहीं है पुत्र, बोला ना अभी डॉक्टर साहब ने. क्या है, सिलेक्टर्स आ रहे हैं ना, तो अर्जुन का वो मैच खेलना बहुत क्रूशियल है, नहीं तो ना सारी मेहनत पे पानी भर जाना. हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ है सर वो, उसको खुद नहीं पता उसकी कंडीशन क्या है, और आप अगले वीक के मैच की बात कर रहे हो इस हाल में? विद्या प्लीज लेट मी टॉक. डॉक्टर साहब ने टेस्ट करने के लिए बोला है ना, टेस्ट करवाने के लिए मंथ एंड तक वेट करना पड़ेगा मुझे सैलरी का. किट्टू और मुझे छोड़ के घर पे ये क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग? और आप उसके इस इम्प्रैक्टिकल ड्रीम को सपोर्ट कर रहे हो सर? लुक अर्जुन, इट्स टाइम फॉर यू टू डिसाइड तुमको लाइफ में क्या चाहिए, एंड इफ यू चूज क्रिकेट
हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे. सो यू डिसाइड. अलमारी के अंदर पेंट ब्रशेस रखे हैं. मेरा हाथ नहीं पहुंचता. आप निकाल दो. चला जा. विद्या,
किट्टू बाहर क्रिकेट खेलने गया। मैं ऐसे जी नहीं सकता विद्या यार, हो नहीं रहा मेरे से। तुझे लगता होगा ना मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं नाराज हूं तुझसे। पता है जब भी मैं किसी से उधार मांगता हूं ना, कोई मुड़ के पैसे वापस ही नहीं मांगता। इसलिए नहीं कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं, उनको यकीन है कि मैंने उनके पैसे वापस ही नहीं कर पाने। एक बंदे नू भी भरोसा नहीं रह गया मेरे ते। कभी एक बढ़िया क्रिकेट प्लेयर और अब एक लूजर। बस वो एक ही है इस पूरी दुनिया ने जिसने कभी मुझे जज नहीं किया, मेरा बेटा। उसे फर्क नहीं पड़ता उसका बाप काम करता है या नहीं, कमाता है या नहीं, कामयाब है या नहीं। मैं उदा पियो हां बस। उसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। पता नहीं क्यों इस बारे जर्सी मंग ली। मैं वो भी नहीं दे पाया यार। मेरा सबसे बड़ा डर जानती है, जी मैं यूं ही रह गया ना तो वो भी मुझे वैसे ही देखेगा जैसे बाकी सब देखते हैं। आज कहता है खेलो पापा, दिल खोल के खेलो। तुसी जब क्रिकेट खेलते हो ना तो एकदम हीरो लगते हो मुझे। उसकी नजरों में से एक कतरा भी कम मैं होण नहीं देऊंगा विद्या। मैनू जान दे विद्या। मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूं विद्या, मैं उस अर्जुन से गुस्सा हूं जो रोज सोफे पर बैठ के टीवी देखता रहता है, जो किट्टू की एक छोटी सी विश भी पूरी नहीं कर सकता, जो वहां किचन में तुझे रोता हुआ छोड़ के चला जाता है। मैं उस अर्जुन से गुस्सा हूं विद्या, मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूं। मुझे जान दे विद्या प्लीज, मुझे जान दे। फुल नाइट ट्रेन जर्नी करके जाओगे तो थक जाओगे। ये सुबह 5 बजे की फ्लाइट के टिकट्स है, अपने होटल के ट्रैवल डेस्क से मैंने बुक किया। साथ बैठे बात किए बहुत टाइम हो गया ना बाबू। आज एक बार फिर से पहले की तरह रहते हैं ना प्लीज। पहले बताओ मैं या किट्टू, झूठ मत बोलना।
Welcome to the 1996-97 Ranji Tournament Finals. It's Punjab versus Karnataka. Brought to you live from the one... Amma, Papa. Yes, this one's going to be exciting. It's the highest... Amma, dekho, TV pe hai. ...Gowda will be set against the best batsman. Definitely the man of the series for me, Arjun Talwar. Come on, boys. Chalutra. The first delivery of the finals. And that's put away nicely. It will go all the way to the boundary. Karnataka's off the mark in style. Beautiful drive. That's a great start for Karnataka. Wonderful strike. Oh, 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 what a sixer. It's gone high and handsome. 50 runs on the board for opening partnership. Yenil Dhawan. Rajesh is just one run away from a century. Well struck, and it will go all the way. What a way to bring up a century. 230 for no loss. Punjab looking for a wicket. No, that's hammered away. End of day one. Karnataka's looking solid. And that's a magnificent 340 for two. Run it! That's a huge sixer. And the skipper has decided to declare. Karnataka posted 454 runs in their first innings. Can Punjab fight back? All the best, boys. Three slips and a gully. The pressure is on, early on. Here comes Suresh Gowda. Oh, what a bouncer. Harpal didn't know where the ball went. Oh, right on the head. That's going to hurt badly. Gowda with the next ball. And oh, a big block for Punjab. Harpal has to go for a duck. This is why Gowda is the most dangerous bowler. Edged and gone. That's terrific. It was Harpal first, and now it's the captain. Excellent start for Karnataka. Here's the next delivery. Hold him! Within the district chiefly. Three batsmen back in the pavilion already. Big appeal, and he's gone. Wicket stumbling down constantly. End of a disappointing day for Punjab. It's 45 for 4. Punjab not in its best form yesterday. The glimmer of hope, and in comes Arjun Talwar, the batsman who has been a blessing in disguise for Punjab this season. I'm sure Karnataka would have devised a strategy for the best batsman of the series. Here we go. Gowda with the first ball of the day. Bowled him! Arjun Talwar has to go for a duck. It's unbelievable what we've just witnessed here at the Wankhede. A massive wicket for Karnataka. The man at the top of his game, blown away in a matter of seconds. What a day for Karnataka. Absolutely magnificent. Seems like a pretty brutal Punjab. TV band kar. He's gone. Now Raja's got his man. Brilliant catch by the skipper. It's shocking. Punjab's all out. Would this be their possible end? There's a fielder down there. It's a catch by Ronak Seth. No celebration at all. I guess they're aware it's only a matter of time before Karnataka is declared champions of this Ranji tournament. Oh, chadde, what are you doing inside? You don't have to play the ball. You've been so bad at balling, right? That's a lot. Why are you talking about it? Hey, stop your blame game. They just outplayed us. Do you have any chance? तो छह महीने जो मेहनत की उस सब बर्बाद यार हम लोग यहाँ तक पहुँच गए ना वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात भाई बात वही है जो भी मेहनत की थी ना बेकार यहाँ तक पहुँचना कोई काबिल नहीं है
7 overs and 352 is the target, sir. Required run rate is 7.47. अगर मैच ड्रॉ भी हुआ तो इनिंग्स रूल के हिसाब से कर्नाटका का फर्स्ट इनिंग स्कोर हमसे ज्यादा है. हमें मैच जीतना है तो हमें रन बनाने होंगे. सर लास्ट डे की पिच बड़ी औखी है. 352 इन 47 ओवर्स लगभग नामुमकिन है सर. Strategy by Punjab. Everyone's excited, even the selectors. Let's see what happens. 352 runs in 47 overs. That target would rattle anyone's nerves. We have seen the behavior of the pitch, which has always gone against the batsman. Woo! That's a bouncer right away. Well ball, Suresh! Maga, deck malo! Here is the next delivery. And oh, this would be shattering for Punjab, who have placed all their hopes on Arjun. Another bouncer. Seems like there's some tension there between the players. All eyes on Arjun. Can he survive this delivery? Pulled away inside. That's a brilliant reply from Arjun. Towards the leg side for a quick single. I must say, every run is important here. Only one, Kumar, only one. Single to keep the strike. Punjab at 185 for one. Stop what you're doing. Arjun is on 98. Can he bring up his 100? That's a powerful hit and it's a century for Arjun. They are definitely placed better, but does Punjab still have a chance? Looks like Punjab is still fighting their way back into the game. Driven for two runs there, he's got a good rhythm. Catch it! The ball is in the air, and it's a nice catch by the skipper. Just when we thought Punjab is in the driving seat, they've lost another wicket. 216 for two. Yes, yes, yes. Arjun pushes it on the offside. Look at that. Looks like Gowda deliberately came in his way. Exchange of looks there. Nasty tactics by Gowda. This time drives it on the mid-off region. His running has been excellent, taking his team step by step to victory. These are very crucial overs. That's a good shot by Ravindar. Well, Arjun is focused on the massive target and wants to do everything he can to chase it. Well, it's very hot and humid here in Mumbai, surely tiring the batsmen. But the spirits are still high. Well, more than the target, it's the massive pressure, the mental pressure he's under. He's got a tough job to do for Punjab. Edged beautifully bowled by Ashok Gowda. Go, Surya, throw, throw! Oh. And he's pulled it! Punjab just cannot afford to lose a wicket at this point of time. Super! Crumbling and losing the ninth wicket. Chal out nahi hona. Out nahi hona. Chalo. Rudra,
सुना क्या? Next delivery. Arjun yes. hits it on the offside. But look at that. Coming in middle of his way, giving that look of aggression. 36 in 12 balls. And that's gone. Long, long and forever. CDM theni thalle dal ke maar de. What a sixer. That's driven beautifully. And it makes it to the boundary. Come on here, Kumar. Down 14 needed of 7. Last ball of the over. Karnataka is trying every possible thing to stop this single. Arjun wants this run to be on strike. Tremendous pressure at the moment. Arjun tries, but wait, what is happening? Yes, no, yes, no. Oh, they cannot take that run, which was very important for them. This is going down to the wire. Once again, the odds are in the favor of Karnataka. Rudra feeling the heat at the moment. What a nail-biting finals. 14 needed of 6. Tension building up. Last single over will be bowled by Surya Narayan. Here we go. Oh my, it's gone straight to the keeper. Rudra, what are you doing? Just get a single and get Arjun on strike. Second delivery of the final over. Oh, and he misses it. What's happening? He could have lost his wicket. The only person who can match up to this pace attack is standing at the other end. He has to take that single. Rudra. Four balls remaining in the game. Arjun is already out of the crease. He's running at the danger end. Will it hit the stumps? Oh my God, what's happening? Goosebumps. Goosebumps everywhere. 13 required of 3 now. Surya, keep it tight. Keep it tight, Surya. That's a sizzler from his bat. It's definitely placed for a 4. Nine runs in 2 balls. Massive shot into the sky. What a masterclass batsman he is. That one's for the selectors to watch. Punjab is one stroke away. 3 runs in 1 ball. Yes. Chal.
सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं पता करके आता हूँ। किट्टू एकदम ठीक। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। How's your पाली सर? कैसी है पुत्र? मैं ठीक हूँ सर। और कके लोई पापा की तरह इसे बिदाड़ी कर ली है। दो साल के लिए गया था बाहर, उससे कहीं हो गया तू? मम्मी को भी ले गया साल से। कभी हमारी याद नहीं आती? याद तो बहुत आती है कोच अंकल, बस यार इनका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद तो वापस ही आना है। यो बस आज हे किट्टू, हाय, कैसा है? ऑल गुड, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। सो गुड टू सी यू। नमस्ते। ओके, हालांकि तू उतर है ठीक है? बिल्कुल ठीक अंकल। आप सब कैसे हैं? I must say, Arjun has been an inspiration for all of us. It's good to see you both. Likewise, sir. Thank you. Please. Thank you. Ketan, we feel so proud कि हमें अर्जुन के साथ खेलने का मौका मिला. Thank you. Excuse me, बेटा. जी अंकल, दो मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? मीटिंग हो जाए पहले, फिर उसके बाद कर लेना आप बात जो करनी है। सिर्फ दो मिनट? दो मिनट कह रहे हैं अंकल। आप लोग बैठिए, मैं दो मिनट में आता हूँ। अच्छा अच्छा, आइए। जब मैंने अर्जुन वाली किताब पढ़ी तो मुझे पता चला कि आपको पूरा सच मालूम नहीं है बेटा। एज अ डॉक्टर आई एम नॉट सपोज टू टॉक टू एवरीवन, पर जब सुना कि आप आ रहे हो तो लगा सब कुछ मिलके बताना मेरा फर्ज है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कोई कितना भी ग्रेट हो, कितना भी बड़ा काम कर जाए, हम उनकी कहानियां तभी दोहराते हैं जब कोई उनकी कहानी लिख देता है। अक्सर जो आंखों के सामने होता है वही नजर नहीं आता। जैसे हमारे बीच छुपी थी अर्जुन तलवार की कहानी। एंड थैंक्स टू द ऑथर ऑफ द बुक जर्सी जसलीन शेरगिल, जिन्होंने इस कहानी के मोल को पहचाना। The Indian Cricket Board would like to thank her for bringing out the story of this 36-year-old cricketer, जिसने फिर शुरुआत की और पंजाब को 10 साल बाद जितवाया। हम सब हमेशा सक्सेसफुल लोगों की कहानियां ही सुनना पसंद करते हैं, न सिर्फ क्रिकेट में बल्कि लाइफ में भी। पर सफलता और कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती, 100 में किसी एक को। अर्जुन की कहानी ऐसे 100 में किसी एक कामयाब इंसान की नहीं, ये उन 99 लोगों की है जो नाकामयाब होकर भी कामयाबी पाने की हिम्मत रखते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे भी ये जानना था कि उस मैच के बाद अर्जुन की कहानी में क्या हुआ। आई हैड द प्रिविलेज टू एक्सेस सम ओल्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, और मैं आज आपको और इस किताब की ऑथर जसलीन शेरगिल को बताना चाहता हूँ कि देयर वाज अ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स सेलेक्टेड फॉर टीम इंडिया टू गो फॉर द इंग्लैंड टूर। अर्जुन तलवार वाज सेलेक्टेड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। I would like to call Arjun's son, Ketan Talwar, on the stage, please. We have something from the Indian Cricket Board to present to the family.
That's for you. वादों के साए में दिल जो गया है, तूने जो चाहता वो मिल गया है। माना के थोड़ा लंबा सफर था, थोड़ी जान है। सर पे हाथ रख के बोला है आपने, प्रॉमिस हो गया, देख लो मैंने पूरे मोड़ दिया, अब आप प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते, चांस ही नहीं है। मेरी हर खुशी ये इंडियन जोशी 25 साल पहले एक 7 साल के बच्चे ने अपने पापा से मांगी थी एज अ बर्थडे गिफ्ट। किस शिद्दत से उन्होंने देनी चाहिए होगी उस वक्त कि इतने सालों बाद भी ये मेरे पास आई गई। कर्नाटका के रणजी फाइनल मैच के बाद पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और 2 दिन बाद ही हैड अ हार्ट फेलियर एंड ही पास्ड अवे। द डॉक्टर सेड ही हैड अ हार्ट कंडीशन कॉल्ड अरिथमिया। मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि पापा को ये बात अपने मरने के 10 साल पहले से मालूम थी। In fact, this was the reason why he left cricket at the age of 26. तुम्हें एक हार्ट कंडीशन है कॉल्ड अर्थमिया। इसमें हार्ट बीट इरेगुलर होती है। मेरा मतलब है कि अगर फिजिकल स्ट्रेस बढ़ेगा तो हार्ट फेलियर का रिस्क है और जान भी जा सकती है। तुम स्ट्रेस मत लो, क्रिकेट खेलना छोड़ दो। और हाँ, अब भागना दौड़ना ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा। रेगुलर चेकअप्स करवाते रहो, सब ठीक हो जाएगा। छटो सर। अर्जुन, अच्छा विद्या मेरी बात सुनो, मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। क्रिकेट लाइफ है तुम्हारा, तुम हो ना काफी है। पापा अब आप क्रिकेट नहीं खेलोगे? तू बता काके, तुझे क्या लगता है खेलोगे नहीं खेलोगे? खेलो ना पापा, दिल खोल के खेलो। जब क्रिकेट खेलते हो तो एकदम हीरा लगता है मुझे। मैं आप सबको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सबको यही लगता है कि मेरे पापा ने कोशिश करते करते अपनी जान गंवाई, पर सच ये है
कि जानते हुए कि उनकी जान जा सकती है, उन्होंने कोशिश की। एंड दैट इज अर्जुन तलवार, माय फादर। दोनों की फोटो खींचोगे? हाँ, तुम भी आ जाओ ना बाबू, हम तीनों को एक भी अच्छी फोटो नहीं है। अब यहाँ किसे पूछूं मैं? पापा, कैमरा को उल्टा करके खींचे, तीनों आ जाएंगे। वो ऐसे नहीं होना काके। अरे वो करके तो देखो। एक मिनट सोच। हो जाएगा। अब राइट राइट राइट।
तुझसे ही नजारे, तुझसे ही हर ओर बहारे, तेरा होना है कुछ ऐसा जैसे घर को रब की दुआरे। इश्क में क्या है कहना कहाना, तेरे सदके हर पल जावा, जिंदगानी में होना तेरा लख लख शुक्र।